Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 2 by Brain Root Series. And here is a book, children. The name is Literary Journeys. Today we are going to start with chapter number 10 of your book and the name is True Friends. So children, do you have friend? Do you know who is a true friend? True friend kaun hota hai? Sacha mitra kaun hota hai? So let's learn in this chapter. Let's start with the warming up. So this story tells us about two friends who were very good friends. Ye do friends ki kahani jo bahut acche dost the. This story teaches us about the importance of being a trustworthy friend. Ye jo story hai ye hame samjhati hai kaise hum jo hai ek trustworthy friend ban sakte hain jis pe koi bhi vishwas kar sakta hai. And never leave your friend हैंड इन टाइम ऑफ ट्रबल, और मुसीबत के समय अपने दोस्त का हाथ कैसे नहीं छोड़ना है. यही होती निशानी एक सच्चे दोस्त की, जो हमेशा अपने फ्रेंड पे विश्वास करे और मुसीबत के समय उसका हाथ ना छोड़े. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मनी एंड बेन हु वर वेरी गुड फ्रेंड्स वंस दे वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट. सो ये जो कहानी है दो दोस्तों की है, मनी की और बेन की. ये दोनों जो है बहुत अच्छे दोस्त थे. एक दिन क्या हुआ, ये लोग जो है एक फॉरेस्ट में से गुजर रहे थे, एक जंगल से गुजर रहे थे. ऑल ऑफ अ सडन अ बियर अपीयर्ड. अचानक से उनके सामने एक बियर मींस एक भालू आ गया. बेन क्विकली क्लाइम्ब द ट्री नियर बाय. बेन ने क्या किया, वो जल्दी से पेड़ पे चढ़ गया जो उसके पास था. मनी गॉट एन आइडिया. मनी को एक आइडिया आया कि ही ले डाउन मोशनलेस. वो जो है जमीन पे गिर गया बिना सांस लिए, मींस अपने सांस को रोक के बिना हिले डुले वो जमीन पे लेट गया. ही डिड नॉट ब्रीथ. उसने सांस भी नहीं ली. अब क्या हुआ, द बियर स्निफ्ड मनी एंड वेंट अवे. अब बियर ने क्या किया, मनी की तरफ आया, उसने उसे सूंघा, अरे ये तो मर चुका है. फिर बियर वहां से चला गया. मनी थैंक गॉड वी आर सेफ. अब जो है उसने बोला, जो फ्रेंड पेड़ पे चढ़ गया तो उसने बोला कि थैंक गॉड हम बच गए. तो जो दूसरा फ्रेंड था उसने क्या बोला, आई वॉज ऑलमोस्ट डेड बेन मैं तो मरने ही वाला था. वाई डिडंट यू हेल्प मी टू क्लाइम द ट्री. तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की पेड़ पे चढ़ने में. बेन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. So Ben felt sorry and said that he had thought about himself. Ben ने कहा कि sorry, मैं बस अपने बारे में सोच रहा था. But what did the bear tell you? It was so near to your ear. लेकिन मनी मुझे ये बताओ कि वो bear तुम्हारे कान में आके क्या कह रहा था. कुछ तो कह रहा था वो. तो अब जो है मनी ने क्या बोला, the bear advised me not to believe a false friend. तो अब जो है मनी ने बोला कि तुम्हें पता है बियर ने मुझसे क्या बोला, उसने बोला कि कभी भी ऐसे दोस्त पे विश्वास मत करो जो फॉल्स हो, जो झूठा हो. तो अब जो है दोनों फ्रेंड्स में फिर से बात होने लगती है. बेन जो है मनी से सॉरी मांग रहा है, सॉरी वंस अगेन आई नो इट वॉज माई मिस्टेक फॉरगिव मी. प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता चल गया मेरी गलती थी ये. अब जो है मनी का क्या रिप्लाई था, I will always be a true friend. उसने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों फिर से दोस्त बन गए, अब मैं तुम्हारा हमेशा एक अच्छा दोस्त बन के रहूँगा. और फिर दोनों अपने घर चले गए. So children, this was a story. Now let's move on to glossary. Appeared means seem. Next is motionless, without any movement, बिना किसी तरीके के movement के. Passing means going past. Believe means टू फील श्योर दैट समथिंग इज ट्रू. विश्वास रखना कि कोई चीज़ सही है. स्निफ्ड मीन्स टू स्मेल समथिंग बाय स्क्वीजिंग नोज. नोज को स्क्वीज करके किसी चीज़ को सूंघना. फॉरगिव मीन्स पार्डन. सडन मीन्स डन और हैपनिंग क्विकली, किसी चीज़ को जल्दी से कर देना. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज विच इज कॉम्प्रिहेंशन. ए पार्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मनी एंड बेन वर. मनी और बेन जो थे वो क्या थे,
So they were good friends, brothers, cousins or neighbors. So they were good friends. Who climbed the tree? Money, Ben, Honey or Bear? So here Ben climbed the tree. Money got in dash. क्या है उसके दिमाग में? Idea, trick, habit या फिर device? So it is idea. Now these two questions, children, you have to do yourself. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using help box. So the first one is Dash and Ben were very good friends. Kaun kaun good friends the? So the correct answer is Money and Ben were very good friends. All of a sudden a Dash appeared. Kya aa gaya unke samne? A bear appeared. Now third one, Ben quickly climbed the nearby. Ben kahan chadh gaya? Nearby tree pe chadh gaya. And the rest two questions, children, it's your homework, do it yourself. Next is, let's move on to the C exercise, which is right, true or false for the following sentences. First one is, Money and Ben were enemies. Kya wo dono dushman the? No, this is false, they were friends. Money climbed a tree. This is again false. Ben climbed the tree. The bear sniffed money and went away. Bear jo hai aaya money ko sungha usne aur wo chala gaya. Yes, correct. True. Like this, children, you have to do the rest two questions yourself. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. Who were very good friends? Kaun kaun bahut hi acche dost the? So they were Money and Ben. Why did Ben climb a tree? Because he was frightened to see the tiger. Because he was frightened to see the bear. Now, what idea did Money think of and what reply did Money give to Ben? Find out the answers, children, yourself and write it here. And with this, children, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned, keep smiling and thanks for watching.